जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की मुनि आरिका संघ की। कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं ना, जिसका काम है खुद जलना और सामने वाले को जलाना। अचानक उसका मूड बदला और चिलम की जगह मिट्टी को कलश का आकार देने लगा। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारिन ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया कि तभी माटी ने तपाक से कहा, मेरा तो संसार बदल गया। तुम्हारा विचार क्या बदला? मेरा संसार बदल गया। विचारों से संसार है। हम जानते हैं कि चिलम की क्या स्थिति है और कलश की क्या स्थिति है। चिलम निंद दृष्टि से देखी जाती है तो कलश मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर मांगलिक प्रतीक बनता है। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे जिन्हें हम मानवता का आदर्श मानते हैं वो मंगल कलश की भांति होते हैं, और दूसरे वे जो मानवता के लिए कलंक बनते हैं जो चिलम या शराब के कुल्हड़ की भांति होते हैं। हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को कैसी दिशा देते हैं, और हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धारण हमारे विचारों के अनुरूप होता है। मनुष्य की जैसी विचारधारा होती है वैसा जीवन होता है। हमारा जैसा विचार होता है वैसी हमारी सोच होती है, और जैसी सोच होती है वैसा हमारा चिंतन होता है, जैसा चिंतन होता है वैसे हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा जीवन होता है। इसलिए भगवान महावीर के दर्शन की बात जब मैंने की तो कल आपसे चार बातें की थी, आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और व्यापार शुद्धि की। आज थोड़ी सी बात विचार शुद्धि की करनी है। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, गांधी जी अपनी बात को तीन बंदरों के माध्यम से कहा करते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। भगवान महावीर इस संदर्भ में क्या कहते हैं? किसी ने सवाल किया था। मैंने कहा, भगवान महावीर के पास जाओ तो भगवान महावीर कहेंगे तीन की जरूरत नहीं है, एक को अपना लो सारा काम हो जाएगा। बोले वो क्या है? बोले एक बंदर ऐसा रखो जो अपने मस्तिष्क पर ऐसे कट्टिस का निशान लगा के रहे और वो कहे बुरा मत सोचो। अगर हमने बुरा सोचना बंद कर दिया तो बुरा देखना भी बंद होगा, बुरा बोलना भी बंद होगा और बुरा सुनना भी बंद होगा। सवाल बुरा सोचने का है। मनुष्य की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, अच्छा कम सोचता है बुरा ज्यादा, है ना? अनुभव देखिए आप, किसी व्यक्ति को प्रगति करते हुए देखते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है या अंदर में जलन? अपने मन से पूछना। मैं बोलूंगा तो यही कहोगे महाराज प्रसन्नता होती है। खुद अपनी प्रशंसा सुनने के हम आदि हैं पर औरों की प्रशंसा हमें नहीं पच पाती, औरों की प्रगति हम नहीं देख पाते। हर मनुष्य की दुर्वृत्ति कुछ ऐसी है कि वो अपने हितों के लिए तो हमेशा सचेष्ट रहता है लेकिन उसे औरों के हित या भलाई के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं होती, वो उनके लिए
उल्टा ही सोचता है। किसी ने पूछा कि मैं हिमालय पर चढ़ जाऊंगा तो तुम क्या दोगे, उसने कहा धक्का। क्या देंगे? धक्का। ये हमारी सोच है, ये हमारी टेंडेंसी है। हमारी जैसी सोच हो प्रायः उल्टा ही मनुष्य ज्यादा सोचता है। कहते हैं कि मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। इन 60,000 विचारों में काम के कितने होते हैं, फालतू कितने होते हैं, कभी आपने सोचा? व्यर्थ के विचार ज्यादा होते हैं, काम के विचार कम। और संत कहते हैं ये जितने भी व्यर्थ के विचार हैं प्रायः ये हमें हिंसक बनाते हैं। वस्तुतः यही वैचारिक हिंसा की पृष्ठभूमि होती है, बनती है, जो हमें क्रूर बना देती है। इससे अपने आप को बचाना है तो हमें अपने विचार शुद्धि पर विशेष बल देना होगा। ये बात सही है कि विचार ही हमें चढ़ाते हैं और विचार ही हमें गिराते हैं। जिस सीढ़ी से ऊपर चला जाता है नीचे भी उसी सीढ़ी से उतरता है। यदि हमने अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दी तो हमारी उन्नति निश्चित है, और यदि हमारे विचारों की दिशा सही ना हो तो हमें हमारे पतन से कोई नहीं बचा सकता। सड़क पर कीचड़ कब मचता है? जब पानी गिरता है, है ना? पानी गिरने से सड़क पर कीचड़ मचती है, तो कीचड़ को साफ कौन करता है? कौन करता है? पानी करता है। नीतिकार कहते हैं कि जिस पानी से कीचड़ मचता है उसी पानी से कीचड़ को साफ किया जाता है, जिस विचार से पाप आता है उसी विचार से पाप को साफ भी किया जा सकता है। मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। हम मन से ही पाप करते हैं तो मन से ही पाप को साफ किया जाता है। सवाल अपनी विचारधारा को समझने की है। मेरी विचारधारा क्या है, मैं क्या सोचता हूं? मैंने पहले दिन चार प्रकार की सोच की बात की थी, भौतिक सोच, व्यवहारिक सोच, व्यापारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। मुझे तय करना है कि मेरे सोच की दिशा क्या है। सोच को रचनात्मक दिशा दे, सकारात्मक बनाए, अध्यात्म से अनुबंधित करके चले, जो हमारे जीवन की उन्नति का मूल आधार है। आज मैं सोच के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन विचार शुद्धि के लिए हमारे लिए क्या आलंबन लेना चाहिए उसकी चर्चा आपसे जरूर करूंगा। क्योंकि आप तो जानते हैं, हर कोई कहते हैं अच्छे विचार रखो, ये तो सब उपदेश में ही मिलता। आप भी कहो, किसी से कुछ कहोगे तो भैया आपने को अपने विचार खराब नहीं करना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए, अच्छे भाव रखना चाहिए, ये तो आप लोग कहते हो ना, सब कहते हैं, सब उपदेशक यही कहते हैं अच्छे विचार अच्छे भाव रखो। पर सवाल है अच्छे विचार आए कैसे, विचार शुद्धि हो कैसे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप अपने विचारों में शुद्धि चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो। हाँ चाहते हैं, है ना? विचारों में शुद्धि चाहते हैं? कब? थोड़ी देर के लिए कि हर पल के लिए? हाँ हर पल के लिए। ईमानदारी से बोलना, अपने विचारों की शुद्धि के लिए कोई प्रयास आज तक किया? बोलो, नहीं किया ना। तो अपने आप ऑटोमेटिक किसी जादू से तुम्हारा विचार शुद्ध होगा? महाराज आप इतना बोल रहे हैं, हमने तो आज तक विचार शुद्धि की सोची भी नहीं, ये तो आपके सामने ये सब बोल रहे हैं। चूंकि आप सवाल कर रहे हैं सब बोल नहीं रहे हैं, बोलना पड़ रहा है। मनुष्य की बुद्धि जलता क्रांत हो चुकी है, वो अपने विचारों की सरणी में ऐसा बह गया है कि उसे अपने विचारों के विषय में विचार ही नहीं होता। मेरे विचार अच्छे हैं या नहीं, ऐसा विचार भी बहुत कम आता है। तो विचार शुद्धि का भाव और उसका प्रयास तो और दुर्लभ है। बंधुओं, विचार एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके बल पर हम अपने जीवन को नई ऊंचाई दे सकते हैं, बशर्ते इसका हम सही प्रयोग करें। यदि गलत प्रयोग होगा तो ये हमें नीचे गिरा देगा।
सही प्रयोग करने के लिए कुछ सूत्र आपको दे रहा हूँ विचारों के लिए। सबसे पहले अपने विचारों को अच्छा रखना चाहते हैं तो सत्संग करें। क्या करें? सत्संग। सत्संग हमारे विचार शुद्धि का सशक्त माध्यम है, हमारे मन पर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने बचपन से कहावत सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं हमारी सोच वैसी हो जाती है, सोच जैसी होती है वैसी प्रवृत्ति बन जाती है, वैसा जीवन बन जाता है। अगर हमें अपने विचारों को निर्मल और पवित्र बनाए रखना है तो अच्छे विचारधारा से जुड़े लोगों के साथ अपना संपर्क रखिए। मैं आपको कुछ लोगों से बचने की सलाह देता हूं और सत्संग को अपनाने की प्रेरणा देता हूं। किनसे बचना है? जो नकारात्मक सोचते हैं उनसे दूरी बना के रखो, जो आपको हर मामले में हतोत्साहित करते हैं उनसे दूरी बना करके रखो, जिनका आचार व्यवहार विकृत है बुरा है उनसे दूरी बना करके रखो, और जो व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा पसंद करता है उससे सुरक्षित दूरी बनाकर रखो। इन चार की संगति से बचो। किनके? जो नकारात्मक सोचता है उससे बचो। उनके संपर्क में आओगे तो तुम्हारी भी सोच धीरे 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 वैसे होने लगेगी। जो तुम्हें हतोत्साहित करे किसी भी बात के लिए तुम पूछो सलाह करो, वो तुम्हें और नीचे डिमोटिवेट करे, उनसे दूरी रखो। जिसका आचार विचार विकृत हो उससे दूरी रखो, क्योंकि उसकी हवा तुम पर चल गई तो तुम भी स्खलित हो सकते हो। और जो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहे समझना, वो व्यक्ति बड़ा उथले किस्म का है, उस पर भरोसा मत करना, उससे दूरी बनाकर रखना। क्यों? क्योंकि विचार बड़े संक्रामक होते हैं। कैसे संक्रामक होते हैं? जैसे कि ताली, एक ताली बजाओ सब ताली बजा देंगे, बजा के देख लो, एक बजाएगा सब बजा देंगे, एक के विचार का प्रभाव सब पर पड़ता है। अकबर बीरबल के जमाने की एक बात मुझे याद आ गई। एक रोज अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, हमारे राज्य के लोग की विचारधारा कैसी है? बीरबल ने कहा, सबकी एक सी विचारधारा है। राज्य के लोगों की विचारधारा कैसे? बोले, सबकी एक सी विचारधारा। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मुझे समझ में नहीं, हमने तो ये सुना, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, जितने आदमी उनकी उतनी मति। बोले, ठीक है, जहां पना आप आज्ञा दो, मैं दरबार में इसे प्रमाणित कर देता हूं। बोले, ठीक, साबित करके बताओ सब एक सा कैसे सोचते हैं। अब क्या हुआ? बीरबल ने डुंडी पिटवा दी कि कल सुबह बादशाह सलामत को दूध के कुंड में स्नान करने की इच्छा हुई है और इसके लिए राज दरबार के बाहर एक नियत राजोद्यान में एक कुंड तैयार किया गया है। उस कुंड में सभी नगर निवासियों को रात के अंधेरे में एक एक लोटा दूध डालना है। रात भर में पूरा कुंड लबालब भर जाना चाहिए ताकि सुबह बादशाह उसमें आकर स्नान करे। अब डुंडी पीट गई, लोगों को लगा अच्छा सनक, अच्छी सनक चढ़ी राजा को, लोगों को दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा और ये नहाएंगे। चलो ठीक है, अब राज आ गया है। उस समय तो उसके उल्लंघन की हिम्मत किसी को थी नहीं। एक आदमी
घर से दूध का लोटा उठाकर निकलने को हुआ, तभी ख्याल आया अंधेरा है, सारा गांव तो दूध डालेगा, एक कुंड में अगर एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या होगा। उसने दूध का लोटा वहीं रखा और पानी का लोटा उठाया और भर दिया, चला आया। सुबह हुई, अकबर दूध के कुंड में नहाने का ख्याल रखकर आगे बढ़ा तो देखता क्या है, पूरा का पूरा कुंड पानी से लबालब है। अकबर को बड़ा अटपटा लगा, ए बिजवल ये कैसा मजाक। हजूर ये मजाक नहीं, आपके सवाल का जवाब है। मेरे सवाल का जवाब? बोले हाँ, आपने क्या पूछा था लोग कैसा सोचते हैं, मैंने कहा था सब एक साथ सोचते, उसका जवाब। बोले इससे इसका क्या संबंध। बोले हजूर मैंने अपने गुप्तचर लगा रख छोड़े थे, जब मैंने ये घोषणा कराई कि राजा दूध के कुंड में नहाएंगे, सब लोगों ने सुना और एक आदमी सबसे पहले अपना लोटा उठाया दूध का, सोचा कि कुंड में डालेंगे, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डालूंगा तो क्या फर्क होगा। उसने दूध का लोटा वहीं रख दिया, पानी का लोटा उठाया और भर दिया। इसकी विचारधारा पूरे नगर में अपने आप फैल गई और सब ने दूध का लोटा उठाया और उसी समय उसके मन में आया सब तो दूध डालेंगे, हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा। मैंने गुप्तचरों से पता लगा लिया, हर घर में आप जाकर के छानबीन कर लो, सबके घर में दूध का लोटा रखा हुआ है, पानी का लोटा डल गया। बात समझ में आ गई आपको? ये एक विचार कितनी तेजी से फैलता है। अगर हमें अपने विचारों में शुद्धि रखनी है तो अपनी संगति का हमें विशेष ध्यान रखना है। उनकी विचारधारा मुझ पर हावी ना हो, पहला ये प्रयास। और हम अपने विचारों की शुद्धि रखना चाहते हैं तो हम ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें जिससे भाव शुद्धि हो, विचार शुद्धि हो, मुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, मैं जीवन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित और संकल्पित हो सकूं, वो मार्ग अंगीकार करे। इसी का नाम है सत्संग, जिससे हमारे अंतरंग की शुद्धि होती है। सत्संग में संतों का समागम सबसे अच्छा रास्ता है। 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक घंटा सत्संग करना चाहिए। वो सत्संग आप प्रत्यक्ष में भी कर सकते हैं और आजकल प्रत्यक्ष नहीं तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके घर बैठे भी सत्संग कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आपको सत्संग मिलता है, उससे आपके मन की बैटरी चार्ज होती है, उससे कुछ ऐसी प्रेरणा, ऐसे सुझाव, ऐसा मार्गदर्शन मिलता है जो पूरे दिन हमें संभाले रखता है। सत्संग करो, हमारी संस्कृति में सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई। एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हने कोटि अपराध। पल भर का सत्संग हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। मन को खुराक देने के लिए अपने आप को हम अगर संभालना चाहते हैं तो पहली कोशिश करें सत्संग। पर घर बैठे भी सत्संग करें तो ऐसा नहीं हो कि पेस्ट करते हुए सुन रहे हैं, कि दाढ़ी बनाते हुए सुन रहे हैं, कि खाना खाते और चाय पीते हुए सुन रहे हैं, वो सत्संग नहीं। हो तुम्हारे कान का विषय बनकर दिमाग का विषय बनेगा, तुम्हारे हृदय में नहीं उतरेगा। उसे पूर्ण प्राथमिकता के साथ सुनो, जो तुम्हारे जेहन में उतरे श्रद्धा के साथ भर करके अगर आप सुनोगे तो देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। मेरे संपर्क में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनने अपने जीवन में सत्संग के बदौलत
आमूल चूल परिवर्तन किया है। वे कहते हैं महाराज, पहले मेरे अंदर जो विचारधारा थी तब और अब में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ये अंतर घटित हो सकता है सत्संग के बदौलत। तो पहला प्रयास सत्संग करने का हो, दूसरा प्रयास स्वाध्याय, अच्छा पढ़िए, ये मन की खुराक है, इससे भाव शुद्धि होती है। या तो आप सत्संग कीजिए, सत्संग करने के बाद आपके पास समय मिले तो स्वाध्याय कीजिए, जिन्हें सत्संग का समय नहीं है वो स्वाध्याय के लिए समय निकालिए, कुछ अच्छा पढ़िए। आजकल लोगों को पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाने के कारण लोग सोशल मीडिया में ही उलझ जाते हैं और पढ़ते भी तो उन्हीं के माध्यम से पढ़ते हैं। प्रयोग ये बताते हैं डिजिटल माध्यम से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में उसकी छवि स्थिर नहीं रहती, और अगर हम सीधे हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं तो उसका असर हम पर ज़्यादा पड़ता है। चलिए आप किसी भी तरह से पढ़िए, हार्ड कॉपी से पढ़िएगा, विनय भी होगा बहुमान भी होगा, थोड़ा स्वाध्याय कीजिए। हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों ने हमारे हित के लिए अपनी साधना का कीमती समय निकालकर हमारे लिए जो लिखा है वो तो हम पढ़ें समझें, जिससे हमें कुछ अच्छी प्रेरणा मिले जो हमारे जीवन की दिशा को बदल दे। स्वाध्याय का बड़ा जबरदस्त असर होता है। मेरे संपर्क में एक पुलिस अधिकारी है, इन दिनों वो SP के पोस्ट पर है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा से वो चयनित हुए थे। सन 2001 की बात है, टीकमगढ़ में हमारा चतुर्मास था, वहाँ मेरे पास आया, ससुराल थी उस समय, वो भिंड में पोस्टेड था। बोला महाराज जी, मैं रतगंज सावकाचार का स्वाध्याय किया हूँ, और जब से मैंने स्वाध्याय किया मेरा तो जीवन भी बदल गया, मुझे बहुत डर लगने लगा, हम लोग कितना पाप करते हैं। महाराज जी, मैंने रिश्वत त्याग दिया, पुलिस जैसे विभाग में रिश्वत त्यागना, और इतना ही नहीं मैंने रात्रि भोजन भी छोड़ दी, बस भिंड में चंबल जैसे इलाके में LRP में जाना पड़ता है और वहाँ कई दिनों भीड़ों में रहना पड़ता है, तो उस समय की छूट रख कर के मैं रात में नहीं खाता। और महाराज अब तो लगता है कि नहीं, अपने दायित्व को पूरा करके हमें अपने आप को समेट लेना है। ये स्वाध्याय का चमत्कार है, आप भी अपने अंदर घटित कर सकते हैं। अगर श्रद्धा से भर करके स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारे विचारों में आमूल चूल परिवर्तन होगा। तीसरा माध्यम है अपने विचारों की शुद्धि का, वो है प्रार्थना। प्रार्थना, प्रातः काल उठो, मन को प्रसन्नता से भरो, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हुए पूरे दिन को शुद्ध निर्मल और पवित्र बनाने के संकल्प के साथ कुछ प्रार्थना करो। वो प्रार्थना पूरे दिन तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा देगी। अच्छे मन से की गई प्रार्थना का असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा पड़ता है, और जो बातें हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाती है हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रकट होकर वो हमारे जीवन में उतर जाती है। अच्छी प्रार्थना कीजिए। भगवान के पास आते हो तुम लोग, स्तुति करते हो और निकल जाते हो, बोलो भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान को सुना के आते हो? ईमानदारी से बोलना, रटी रटाई लाइनें सुना के आ गए, वो भी आधा खाते हैं आधा चबाते हैं आधा सुनाते हैं, है ना, हड़बड़ी हलबड़ी में। वो जड़ प्रार्थना है, जीवंत प्रार्थना करो। हे प्रभु, मेरा आज का दिन मंगलमय दिन बने, मेरे विचार पवित्र हो, मेरा व्यवहार पवित्र हो, मेरा आचरण पवित्र हो, मैं मन मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो सकूं,
मेरे अंदर सकारात्मकता आए, मेरे जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए मैं अपने अंदर स्थिरता बनाकर रख सकूं, चाहे जैसी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आए मैं सहनशील बन सकूं, भावनाओं के आवेग में न बहूं, अपनी नैतिकता और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन न कर सकूं। हे प्रभु, मैं इतना समर्थ बनूं कि हर किसी की सहायता कर सकूं, मेरे विचार और कर्म हमेशा अच्छे बने रहें, हर पल मैं सकारात्मक बना रहूं, इस आशय की प्रार्थना हृदय से भर करके कीजिए। उसकी छाप अनुगुण अंतस मन पर पड़ेगी और वह हमारे विचारों को नियंत्रित करने का एक कारगर उपाय बनेगी। आप करके देखिए। और चौथी प्रक्रिया है विचार शुद्धि की, वह है प्रतिक्रमण, क्लीनिंग। घर में धूल धक्कड़ आता है तो आप क्या करते हैं, कूड़ा करकट दिखता है तो क्या करते हैं, बुहारी लगाकर उसे साफ कर देते हैं। घर के कचरे को साफ करने की तुम्हारी अंदर सजगता है, मन के कचरे को बुहारने की कभी सोची? प्रतिक्रमण का मतलब है मन में जमे कूड़े करकट की परत को बुहार बुहार कर बाहर करना। उस प्रक्रिया को आप अपनाइए, सायंकाल ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। ये प्रयोग सिद्ध चीजें हैं, लोगों ने अपनाया है और उनमें बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है। भावना योग में इन्हीं सब चीजों को हमने समायोजित किया है, आप उसका नियमित उपयोग करें तो बहुत कुछ परिवर्तन घटित कर सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में मैं आपसे कह रहा हूं कि शाम को बैठिए, अगर बन सके तो प्रभु के चरणों में जाइए, और यदि वो संभव नहीं है तो घर में किसी एकांत स्थान पर बैठिए, प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए और सुबह से शाम तक के अपने विचारों को रिकॉल कीजिए और देखिए मैं कहाँ कहाँ पटरी से उतरा, मैंने कहाँ गलत सोचा, मैंने कहाँ गलत बोला, मैंने कहाँ गलत किया। जहाँ जहाँ मेरे मन में गलत विचार आए हों उसकी मन ही मन हम निंदा करें, आलोचना करें और उसके प्रति ग्लानि का भाव रखते हुए संकल्प करें, हे प्रभु मैंने ये गलत सोचा, मेरा ये कृत्य मिथ्या हो। हे प्रभु मैंने ये गलत बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरा ये कृत्य व्यर्थ हो जाए। हे प्रभु मैंने ये गलत किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा ये पाप नष्ट हो, अब दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। अगर किसी के प्रति मैंने कुछ गलत बोला है और उसके आत्मा को दुख हुआ है, उसे याद करो और मन ही मन अपनी तरफ से उससे क्षमा मांगो कि मैंने गलत बोल दिया, तुम्हारे साथ मैंने गलत व्यवहार किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो। और तुमने किसी के प्रति कोई गांठ बांधी तो भाई ठीक है, अब मेरे मन में कोई गांठ नहीं है, मैं अपने मन की गांठ खोलता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। परोक्ष में भी क्षमा मांग कर और क्षमा करके हम अपने मन को हल्का शुद्ध और निश्चल बना सकते हैं। जो भी मैंने बुरे कृत्य किए हैं उसके प्रति मन में ग्लानि का भाव रखते हुए उस कृत्य को छोड़ने की भावना जगाना और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेना भाव शुद्धि का श्रेष्ठतम आधार है। इस प्रक्रिया को अगर आप नियमित अपनाएंगे तो पाएंगे कुछ ही दिनों में आप बड़े उच्च विचारधारा के धनी बन गए, आपकी भावधारा निर्मल और पवित्र हो गई, आपके मनोमस्तिष्क में किसी भी प्रकार की विकृति और विकार नहीं, लोभ लालच और भोग विलास की प्रवृत्ति तुम पर फिर हावी नहीं होगी, काम क्रोध के आवेग के अधिक शिकार नहीं बनोगे और जीवन निर्मल और पवित्र होगा। तो ऐसी भाव शुद्धि हमारे अंदर आए जिससे हम जीवन का सही रस ले सके, जीवन का सही लाभ उठा सके, ये प्रयास आप सबको करना है। अभी मंगल भावना के साथ विराम लूंगा क्योंकि आज कार्यक्रम अधिक है, यहाँ से हम सबको मंदिर जी जाना है, वहाँ भगवान को वेदी में
विराजमान करना है, यह सारा कार्यक्रम तय समय पर होना है, इसलिए आज प्रवचन को थोड़ा पहले विराम दिया जा रहा है। ऐसे भी आज प्रवचन तो होना नहीं था, सोमवार था, हमारी छुट्टी का दिन था, लेकिन कभी कभी छुट्टी में भी काम आ जाते हैं। वेदी प्रतिष्ठा का इतना बड़ा काम, मुझसे निवेदन किया, मैंने भी कहा ठीक है, ऐसा मेरा कोई पक्का नियम नहीं है, नहीं तो तुम लोग कह दो कि महाराज का तो अखंड सोमवार का नियम है। ये हमारी एक सुविधा है, हालांकि हम चाहते यही है, क्योंकि उस दिन हम अंतर्मुख होने का अवसर पाते हैं। फिर भी भाव भागन वश जोगे बसाए, ये लाभ आप सबको मिल गया। हालांकि मेरा मौन होता तो आपको नुकसान नहीं होता, महाराज जी तैयार महाराज जी का लाभ तो होता ही, हालांकि सभी अभाव के कारण आज वो अवसर नहीं, आगे आपको लाभ मिलेगा। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, महाराज जी अभी मंगल भावना बोलेंगे, और मंगल भावना के बाद यहाँ से तुरंत पूरी तैयारी कीजिए, सीधे मंदिर जी में जाएंगे और वहाँ बड़े अनुशासित तरीके से भगवान को भक्ति भाव से वेदी में विराजमान करेंगे। कलशारोहण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।